बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में अपने अपने प्यारी फैमिली के साथ। आज मैं आपके लिए ये भी बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ये मैं बना रही हूँ केक, टूटी फ्रूटी केक जो हम बाज़ार से लेते हैं, बड़े मज़ेदार। और आप चाय के साथ खाएँ, वैसे भी आपके घर गेस्ट आए तो पहले से बैटर बना के रख लें, ये जल्दी बन जाता है। पैन पहले से ऊपर रख लें गर्म होने, ठीक है, ये पैन में बनाऊंगी, ओवन में नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दो अंडे, ठीक है, ये दो अंडे मैंने डाल दिए, अब हम इसको बीट करेंगे। बिस्मिल्लाह, अच्छी तरह बीट करेंगे तो उसकी झाग थोड़ी सी दब जाए। अब हम डालेंगे इसमें ऑयल, एक तकरीबन 4 चम्मच डालेंगे नाप के, 1, 2, 3 ओके 4 चम्मच, ठीक है। साइड पे किया, अब ये देखिए मैंने इसको बीट कर लिया। अब इसमें डालेंगे हम वनीला एसेंस, बस चंद कतरे डाल दें, ज़्यादा नहीं। हम डालेंगे मैदा, तो 1 कप मैदा है, ठीक है, 2 अंडे मैंने डाले और 1 कप मैदा। ये थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के हम इसको बीट करते जाएंगे, पूरा एकदम से नहीं डालना। करके थोड़ा थोड़ा करके अब डालें और साथ साथ बीटों को चलाते जाएं। अब इसमें मैं 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालूंगी, आपने सोडा नहीं डालना, ठीक है, ये तकरीबन इतना 1/2 चम्मच। थोड़ा सा आपका सख्त हो जाए बैटर तो आप इस पर थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं। अभी हो जाएगा तो मैं दूध भी डालूँगी। ये देखें मैंने सारा इसका बैटर बीट कर लिया, ये देखें सही है। अब इसको मैं साइड पर करके अब आपको दिखाती हूँ। ये टूटी फ्रूटी है मेरे पास, 3 कलर है
और साथ ये किशमिश है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा मैदा, मैदा छिड़क के इसको मिक्स कर ताकि आपस में इसके कलर मिक्स ना हो और ये नीचे भी नहीं बैठेगा, वरना सारा सारी टूटी फूटी नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, इसके डालने का मकसद यही है कि आपस में मिक्स ना हो, सारे कहीं एक जैसा कलर आए। ठीक है, अभी डाल दिया मैंने इसमें सारा बैटर, हम इसको मिक्स कर लेंगे। सारे के यहाँ के अब मेरे पास ये पैन है, ये बटर पेपर है, ये पैन है मेरे पास, इसको मैं ग्रीस कर रही हूँ नीचे से, नीचे से ग्रीस करके फिर ये बटर पेपर इसके साइज का काट ले, इसके हाथों से इसको सेट कर लें। ठीक है, फिर आपने ऑयल उठाया उसके ऊपर भी ग्रीस करना ताकि ये केक जब रेडी हो आराम से निकल जाए। हमने चारों तरफ भी इसको ग्रीस कर देना ऑयल के साथ, अच्छी तरह ग्रीस हो गया, सारी साइड इसकी कवर हो गई है। ये देखें मैंने बैटर डाल दिया, अब इसको ऐसे टैप कर देंगे। ठीक है, पैन मैंने पहले से गर्म करने रखा हुआ है, सेट कर देंगे। तकरीबन 45 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे और फ्लेम अपने स्लो ही रखना ताकि अच्छी तरह ये पक जाए। ठीक है, ये देखें ये हमारा केक रेडी हो गया है। अब बटर पेपर मैं उतारने लगी हूँ, बड़ा इजी से उतर गया, अभी गर्म है ये देखिए। ठीक है, अब मैं काटती भी हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये देखिए ये कितनी जबरदस्त टूटी फूटी लग रही है, इस तरह मैं सारा काट लेती हूँ। माशाल्लाह, ठीक है, अब इसको डिश आउट कर लेते हैं किसी तरह, किसी एंगल पे आप ऐसे कर लें, किसी पे ऐसे कर लें, किसी पे ऐसे कर लें, ये देखिए हमारा टूटे फूटे केक रेडी है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार, खुशबूदार केक बना है। ठीक है, आज का केक आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ और आप मुझे कमेंट ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए एम के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।